सांप को दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला जीव माना जाता है। और बात अगर किंग कोबरा या फिर ब्लैक मांबा जैसे सांपों की जाए तो इनसे खतरनाक जहर दुनिया में किसी भी सांप का नहीं होता। ये दोनों ऐसे सांप है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे दुनिया के दो सबसे जहरीले सांपों का आमना सामना हो जाए? क्या होगा अगर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा एक दूसरे से सीधे टकरा जाएं? आखिर किसकी जीत होगी जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली सांप दुनिया के सबसे खतरनाक सांप की एक दूसरे से लड़ाई होगी? दोस्तों, किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। जहरीला होने के साथ साथ ही यह खतरनाक सांप दूसरे जहरीले सांपों को खाने के लिए बदनाम भी है। जब इस खतरनाक सांप को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये दूसरे जहरीले सांपों के साथ साथ अपने ही प्रजाति के सांपों तक को मार कर खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा इतना गुस्सैल सांप होता है कि खतरा महसूस होते ही अपने दुश्मन को काट काट कर मौत के घाट उतार देता है। एक तो इसका खतरनाक जहर और दूसरा इसका लगातार हमला, कोई भी इसके हमले से बच नहीं पाता। लेकिन किसकी जीत होगी और किसकी हार अगर लंबे चौड़े किंग कोबरा का सामना खतरनाक विषैले ब्लैक मांबा से हो जाए? Overview। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि किंग कोबरा पूरी दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है, जिसकी लंबाई 18 फीट से लेकर 20 फीट तक हो सकती है। और वजन की बात करें तो इसका वजन 6 किलो से भी ज्यादा होता है। अब तक के सबसे वजनी किंग कोबरा का वजन 15 किलो है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा की लंबाई 6 फीट से लेकर 14 फीट तक हो सकती है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। जिससे साफ जाहिर है कि वजन के मामले में तो ब्लैक मांबा किंग कोबरा के सामने टिक नहीं पाएगा। स्पीड। लेकिन अगर बात इन दोनों खतरनाक सांपों के रफ्तार की जाए तो किंग कोबरा काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि ब्लैक मांबा को दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला सांप माना जाता है, जो जरूरत के वक्त 25 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार में भाग सकता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है, यानी रफ्तार के मामले में ब्लैक मांबा किंग कोबरा से काफी आगे है। लिविंग जोन। खतरनाक किंग कोबरा आमतौर पर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों में पाया जाता है। हमारे भारत में इन्हें भगवान शिव के गले में लिपटा रहने वाला नाग राजा भी माना जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में किंग कोबरा की पूजा भी की जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला बेहद ही जहरीला और फुर्तीला सांप है। ब्लैक मांबा पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के हर देश में पाया जाता है। कई बार इस सांप को एशिया के कुछ देशों में भी देखा गया। भारतीय जंगलों में भी इस सांप की वजह से कई मौतें हो चुकी हैं। स्नेक वेनम। दोस्तों, अगर बात इन दोनों ही खतरनाक सांपों के जहर की जाए तो ब्लैक मांबा जहर के मामले में भी किंग कोबरा से कई गुना आगे है, क्योंकि ब्लैक मांबा के जहर का सिर्फ 2 बूंद ही किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ब्लैक मांबा को खतरा महसूस होता है तो ये गुस्सैल सांप अपने दुश्मन को लगातार 10 से 12 बार काटता है। ये अपने एक बाइट में ही 400 मिलीग्राम जहर दुश्मन के शरीर में डाल देता है, और इसका जहर इतनी तेजी से असर करता है कि 30 मिनट के अंदर किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ज्यादा मौतें ब्लैक मांबा के काटने की वजह से ही हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मांबा के खतरनाक जहर से बचने में सफल हो पाते हैं, वरना आज तक जितने भी लोगों को ब्लैक मांबा ने डसा है उनमें से अधिकतर की मौत ही हुई है। दूसरी तरफ किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा की जहर जितना जहरीला तो नहीं होता, लेकिन किंग कोबरा एक बार में इतनी मात्रा में जहर उगल देता है कि हाथी जैसे बड़े से बड़े जानवर भी किंग कोबरा के जहर से बच नहीं पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना खतरनाक होने के बावजूद किंग कोबरा बेहद ही शर्मीला और शांत मिजाज का होता है, जो कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करता। ये सांप हमेशा ही इंसानों से दूरी बनाकर रहता है। अक्सर चूहों का पीछा करते करते ये सांप इंसानों की बस्ती के करीब आ जाता है। लेकिन जब भी कभी इस सांप को परेशान किया जाता है या किसी वजह से इसे खतरा महसूस होता है तो ये आक्रामक हो जाता है और गुस्से में अपने फन को जोर जोर से लहराने लगता है और एक जोरदार हमला करता है। किंग कोबरा का 1 मिलीग्राम जहर ही 25 इंसानों को मारने के लिए काफी होता है। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर इंसान के तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हंटिंग।
बात अगर शिकार की करें तो एक तरफ जहां ब्लैक माम्बा को छोटे जीव जंतुओं का शिकार करना पसंद है, वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा दूसरे सांप को भी शिकार करके खा जाता है। यानी एक तरफ जहां ब्लैक माम्बा चिड़िया, चूहे और खरगोश जैसे जीवों को अपना शिकार बनाता है, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक किंग कोबरा दूसरे जहरीले सांपों को भी मारने से नहीं चूकता। यही वजह है कि इस लंबे जहरीले सांप को किंग कोबरा कहा जाता है, यानी किंग ऑफ ऑल अदर स्नेक्स। टोटल डेथ। इन दोनों ही जहरीले सांपों की वजह से मरने वाले लोगों की बात करें तो इन दोनों ही जहरीले सांपों की वजह से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। एक तरफ जहां एशियाई देशों के लोगों में किंग कोबरा का खौफ रहता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ब्लैक माम्बा का आतंक कायम है। भारत में किंग कोबरा की पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी खतरा महसूस होने पर किंग कोबरा लोगों पर हमला कर ही देता है। भारत में सांपों को काटने से होने वाली मौतों में सबसे अधिक मौतों की वजह किंग कोबरा ही बनता है। किंग कोबरा का जहर इंसान के दिमाग को कुछ ही मिनटों में मार देता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो किंग कोबरा के जहर से बच पाए। किंग कोबरा की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर साल अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 25,000 मौतों की वजह ब्लैक माम्बा बन जाता है। विनर। अब बात करेंगे क्या हो अगर ये दोनों ही खतरनाक सांप एक दूसरे के आमने सामने हो। मान लेते हैं लंबा जहरीला किंग कोबरा और गुस्सैल ब्लैक माम्बा एक दूसरे के आमने सामने आ गया, तो सबसे पहले किंग कोबरा ब्लैक माम्बा पर हमला करने के लिए अपने लंबे चौड़े शरीर की एक तिहाई हिस्सा जमीन से ऊपर उठा लेगा और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। गुस्से में वो अपने फनों को लहराते हुए ब्लैक माम्बा पर एक जबरदस्त अटैक करेगा। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि ब्लैक माम्बा दुनिया की सबसे गतिशील और फुर्तीला सांपों में से एक है, तो वो किंग कोबरा के हमले से तेजी से बचने की कोशिश करेगा और एकदम से आक्रामक हो जाएगा। पूरी तरह से गुस्सैल ब्लैक माम्बा किंग कोबरा पर बार बार हमला करने लगेगा और किंग कोबरा के शरीर पर कई बार डसने की कोशिश करेगा। पर ऐसा कर पाना ब्लैक माम्बा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि किंग कोबरा पर ब्लैक माम्बा के जहर का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंग कोबरा में ज्यादातर सांपों के जहर का असर ही नहीं होता। यही वजह है कि किंग कोबरा अन्य जहरीले सांपों को भी अपना भोजन बना लेता है। किंग कोबरा अभी तक ब्लैक माम्बा के शरीर में अपना जहर छोड़ चुका होगा, लेकिन किंग कोबरा का जहर ब्लैक माम्बा के जैसा खतरनाक तो नहीं होता। इसलिए किंग कोबरा अपने जहर के असर होने का इंतजार करने के बजाय अपने लंबे और शक्तिशाली शरीर की मदद से ब्लैक माम्बा को पूरी तरह से जकड़ना शुरू करेगा। 18 से 20 फीट लंबे शरीर वाला किंग कोबरा आकार में ब्लैक माम्बा से काफी बड़ा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए किंग कोबरा ब्लैक माम्बा को अपनी कुंडली से निकलने का कोई मौका नहीं देगा और इसे तब तक जकड़े रहेगा जब तक ब्लैक माम्बा की मौत ना हो जाए। इसके बाद खतरनाक किंग कोबरा धीरे धीरे ब्लैक माम्बा को सिर से लेकर पूंछ तक पूरा का पूरा निगल जाएगा। यानी लंबे चौड़े किंग कोबरा और गुस्सैल ब्लैक माम्बा की लड़ाई में किंग कोबरा किंग की जीत होगी। ब्लैक माम्बा का जहर भले ही बेहद खतरनाक हो, लेकिन किंग कोबरा का शक्तिशाली लंबा चौड़ा शरीर के आगे ब्लैक माम्बा की फुर्ती और जहर दोनों ही नाकामयाब हो जाएंगे और कोबरा ही इस लड़ाई का किंग होगा। वैज्ञानिकों और सांप का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि खतरनाक किंग कोबरा आकार में बाकी किसी भी सांपों से बहुत ही लंबा होता है और उतना ही अधिक शक्तिशाली भी। यही वजह है कि किंग कोबरा अन्य किसी जहरीले सांप को आसानी से अपना शिकार बना लेता है। इंसानों के साथ बड़े से बड़ा जानवर और जहरीले से जहरीला सांप भी किंग कोबरा से हमेशा ही दूरी बनाकर रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया के दो सबसे खतरनाक सांपों की लड़ाई में किसकी जीत हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।